नमो भीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयधियाणम नमो आयधियाणम नमो वत्सायाणम नमो वत्सायाणम नमो लोभे सर्वसाधनम नमो लोभे सर्वसाधनम ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सर्व पाप पराशरो सर्व पाप पराशरो मंगलाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। तैतीस कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। विद्राग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने के हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो 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 जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। अध्यात्म विज्ञान वो क्या है? अध्यात्म विज्ञान सिर्फ नॉलेज नहीं है। अध्यात्म विज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है और अध्यात्म विज्ञान सुनने के बाद सिर्फ मेमोरी नहीं है। अध्यात्म विज्ञान वो दृष्टि परिवर्तन की बात है। दृष्टि परिवर्तन का मतलब होता है जैसे हम शादी कर लेते हैं तो शादी करने के तुरंत बाद एक दूसरे को मालूम होता है कि हम पति है या पत्नी है।
और एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं, तो यह दृष्टि परिवर्तन हो गए। इसके बाद पूरी लाइफ एक दूसरे को यही दृष्टि से देखते हैं, तो ये दृष्टि परिवर्तन है, वो साइंस है। साइंस को नॉलेज नहीं है, क्या नहीं है? जानकारी नहीं है, मेमोरी नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं। साइंस वो साइंटिफिक विजन है, क्या है? साइंटिफिक विजन। तो व्यवहार में जैसे समय समय पे दृष्टि लोगों की परिवर्तन होती है संजोगों के अधीन, और वो दृष्टि भी परमानेंट रहती है। ऐसे आध्यात्म विज्ञान के अंदर भी ये विज्ञान समझ समझ के अपनी दृष्टि को बदलना है, नॉलेज को नहीं बदलना है। किसको बदलना है? दृष्टि। इसे कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने चश्मा लगाया है और पूरी दुनिया को हम देख रहे हैं। अभी हमने वो चश्मा का ग्लास लाल कलर का लगा लिया तो दुनिया कैसे दिखेगी? तो ग्लास का कलर बदलने से दुनिया का कलर बदल गया। अगर ग्लास के ऊपर हमने लीला कलर का ग्लास दिखा लगा दिया तो दुनिया कैसे दिखेगी? तो प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया नीली है कि नहीं, प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया लाल है कि नहीं, प्रश्न ये है कि मेरा ग्लास लाल हो गया तो दुनिया मेरे को लाल दिखती है। तो ये मेरी दृष्टि की बात है, दुनिया की बात नहीं। इसको कहते हैं दृष्टि परिवर्तन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। विज्ञान नॉलेज नहीं है, मेमोरी नहीं है, विज्ञान क्रियाकार नहीं है, विज्ञान है दृष्टि को मोड़ना। आज तक हम व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखते थे, क्या बताया? व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखते थे, पुरुष है, स्त्री है, बच्चा है, बच्ची है, बुरा है, बुरी माँ है, इस प्रकार से देखते थे, और वो रिलेटिव सत्य की दृष्टि थी। अभी हमको मालूम हुआ कि ये प्रकृति के अंदर, ये प्रकृति के अंदर, ये प्रकृति के अंदर, ये प्रकृति के अंदर, ये प्रकृति के अंदर परमात्मा है, और परमात्मा अलग अलग है और एक प्रकार के, क्या बताया? प्रकार एक है और अलग अलग है। तो मैं जितनी बार आपको इंसान के रूप में रखूंगा वो तो रिलेटिव सत्य है, इतनी बार मैं अगर आपको शुद्धात्मा देखता हूं तो समझ लेना मेरी दृष्टि परिवर्तन हो गए। अगर मैं नहीं देख सकता हूं तो मेरे पास नॉलेज है, दृष्टि परिवर्तन नहीं। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक रीजन? व्यवहार में भले ही आपको जैसा मेरा मित्र है, उसको मित्र के रूप में, इसमें मनाई नहीं, वो आपकी दृष्टि लेकर आए, मगर अभी आपको जो साइंटिफिक विजन मिला कि उसमें शुद्धात्मा है, वो भी तो दिखना चाहिए ना? ना, तो नहीं दिखता है, मतलब विजन नहीं है, नॉलेज है। कोई पूछेगा उसमें शुद्धात्मा है कि नहीं, तो बोला हाँ मेरे को मालूम है क्या, तो यहाँ नॉलेज की बात, विजन की बात है। जितनी बार आपको प्रकृति दिखती है इतनी ही बार प्रकृति के अंदर परमात्मा भी दिखना, इसको कहते हैं दृष्टि, और इसी को कहते हैं साइंटिफिक विजन। ये बाहर की प्रकृति दिखती है वो रिलेटिव सत्य है, अंदर का परमात्मा दिखता है वो सनातन सत्य है। तो दोनों दृष्टि पैरेलल होनी चाहिए, तभी कहेंगे कि ये विज्ञान हमारी दृष्टि में सेट हो गए, नहीं तो नॉलेज है। फिर मैं बार बार कहता हूं शरीर और आत्मा दोनों अलग है, क्या है? अलग, शरीर अलग, शरीर और आत्मा दोनों अलग है, और अलग है वो हम जानते हैं,
क्योंकि शरीर विनाशी है और आत्मा शरीर का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और मेरा क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत नहीं है। तो ये दृष्टि मेरे को क्यों बार बार समझ में नहीं आती है? विज्ञान तो मिल गया मगर जागृति में कोई नहीं रहता है। तो क्या विज्ञान मिला है नॉलेज के रूप में, दृष्टि के रूप में सेट नहीं? क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उपयोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? उपयोग नहीं करते। उपयोग नहीं करेंगे तो दृष्टि पक्की कैसी होगी? वही की वही रहेगी। बिल्कुल सही। तो बार बार उपयोग करेंगे तभी पक्की होगी ना। बिना पुरुषार्थ बिना एप्लीकेशन दृष्टि कैसे पक्की होगी? ये नॉलेज तो है नहीं। दृष्टि से बार बार हमको देखना पड़ेगा। हमारी दृष्टि उसी चश्मे वाली की उसी ग्लास की बनानी पड़ेगी तभी दिखेगा ना। दृष्टि के ऊपर ही लगा दो कि रिलेटिव सत्य और रियल सत्य दोनों क्या है, बस। तो जैसे देखेंगे मालूम हो जाता है ये तो रिलेटिव सत्य है और अंदर तो रियल सत्य तो स्वतंत्र है और समर्थ है और रिलेटिव सत्य कुदरती रचना है। तो खत्म हो गई बात। आप समझे? फिर हमको मालूम होना चाहिए कि ये पांच इंद्रियों से दिखती हुई ये मन वचन काया सहित पूरी सृष्टि जो है दिखती है वो कुदरती रचना है। मैंने किया, आपने किया, उसने किया, ये दृष्टि तो रिलेटिव रहेगी मगर वो उदय कर्म के रूप में रहेगी। पुरुषार्थ के रूप में तो कुदरती रचना ही, और वो दिखना चाहिए, भले बोले या ना बोले मगर दिखना तो चाहिए, तभी आपकी दृष्टि परिवर्तन हो गई है। नॉलेज नहीं कि मैं जानता हूं कुदरती रचना, ऐसा नहीं। जो नॉलेज किताब में है वो नॉलेज आपके दिमाग में है, उपयोग नहीं है तो वैल्यू क्या है? प्रकृति को कोई भी दिक्कत आती है मन वचन काया के माध्यम द्वारा, कोई भी प्रकार की भुगतान आती है वो डर जाता है, घबरा जाता है, सहन नहीं कर पाता है। हमारे पास एट ए टाइम रीजन आना चाहिए, इसको कहो तुम शक्ति मांगो परमात्मा के पास, क्योंकि वो चेतन है, अविनाशी है और अनंत शक्ति वाला है। अगर मांगोगे मतलब आपने उनके पास शक्ति है वो स्वीकार किया, नहीं मांगोगे तो आपके पास नॉलेज है स्वीकार नहीं करते, और इसकी वैल्यू भी, जो नॉलेज को स्वीकार नहीं करेंगे इसकी वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू है? जो नॉलेज है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो नॉलेज की वैल्यू ही नहीं है ना। अगर उपयोग भी नहीं करना है तो मतलब क्या है फिर? तो इस प्रकार से हम सबको अपनी दृष्टि को नॉलेज के रूप में न रख के धीरे धीरे अपनी दृष्टि को साइंटिफिक मोड देना पड़ेगा, तभी हम खुद साइंटिस्ट बनेंगे। साइंस का नॉलेज वाला टीचर नहीं, क्या बताया? टीचर नहीं। हमको टीचर नहीं बनना है, साइंटिस्ट। हमको साइंटिस्ट बनना है। टीचर तो किताब पढ़ के भी बन सकते हैं, जैसे हर सब्जेक्ट में टीचर पढ़ के बनते हैं और पढ़ाते हैं बच्चे को। हमको टीचर नहीं बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है। मैंने कितनी बार सत्संग में कहा है, मैं फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं टीचर बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं खुद साइंटिस्ट हूं और आपको साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूं। आप खुद भी यही साइंस का उपयोग करके अनुभव करो
और वो अनुभव दूसरे को बांटो, मतलब आप खुद साइंटिस्ट बनो। समझ में आया? और साइंटिस्ट तब बनोगे जब आपकी दृष्टि जो है वो साइंटिफिक मोड वाली हो जाएगी। सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ साइंस की मेमोरी नहीं, विजन ही बदल जाएगा। तब आप साइंटिस्ट बन गए। फिर आपका अवलोकन क्या क्या करता है वो आपका विषय नहीं है, क्योंकि ये तो कुदरत रचना है। मगर मेरी दृष्टि साइंटिफिक होनी चाहिए, उसके बाद साइंस ही दिखना चाहिए पुरुषार्थ के रूप में, उदय के रूप में जो भी है वो हमारे हाथ में। मगर विजन के रूप में तो हमारी दृष्टि साइंटिफिक ही होनी चाहिए। उदाहरण देके समझाइए कि मांगनी कैसे पड़ेगी, क्या साइंटिफिक वे से अपन मांगेंगे। जैसे आदमी आ गया कोई कोई भी, जैसे मुझे कुछ लॉस लगा और दुख हुआ, तो उसको साइंटिफिक वे से मांगेंगे कैसे? शक्ति किससे मांगेंगे? वही तो मैंने अभी बताने की कोशिश किया कि इनको तकलीफ आ गई, इनको प्रॉब्लम आ गया, इनको प्रेशर आ गया, तो ये थोड़ा कमजोर हो गया, फिजिकली कहो, मेंटली कहो, स्पीच वाइज कहो, थोड़ा कमजोर हो गया, तो फिर इसको दृष्टि देना है और कहना है शक्ति मांगो परमात्मा से जो अंदर बैठा है, क्योंकि वो ही परमात्मा, वो चेतन है, अविनाशी है और हर प्रकार की अनंत शक्ति वाला है। समझ में आया? तो ऐसा उपयोग करोगे तभी तो प्रैक्टिस होगी ना। जब उपयोग ही नहीं करोगे तो तकलीफ आती है, मंदिर में गए तकलीफ आती है, फोटो के पास मांगी तकलीफ आती है, मूर्ति के पास मांगी, तो मतलब आप प्रैक्टिकल नहीं है। आप प्रैक्टिकल नहीं है तो विज्ञान हमारे जीवन में प्रैक्टिकल रूप में आना चाहिए हर परिस्थिति में। शक्ति अंदर से ही मांगनी चाहिए, क्योंकि अंदर तो है, मैं अनंत शक्ति वाला हूं। तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, शुद्धात्मा के नहीं, बराबर है। मगर मैं यही कहता हूँ कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ और अनंत शक्ति वाला शुद्धात्मा है, वो हम जानते हैं, ठीक है। मगर जब ये शरीर को तकलीफ आए तो मंदिर मूर्ति या तो फोटो के पास जाना चाहिए, यहाँ मानना चाहिए। अभी तक तो वहीं जाते हैं। अभी तक की बात छोड़ दो, ये साइंस समझने के बाद कहाँ मांगना चाहिए? मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, उसके पास मांगना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये नहीं मांगोगे तो मतलब आप जानते हैं, मानते हैं नहीं, बस फिर मतलब क्या रहा? तो स्वामी जी, ये जो धारणा हमारे मन में बैठी हुई है उसको तोड़ते तोड़ते मुझे लग रहा है काफी समय निकल रहा है। निकलेगा, मैं उसकी बात नहीं करूंगा कितना समय निकलेगा, मगर तो एक विजन में होना चाहिए। देखो सिंपल बात है, अगर आप 25 साल से गलत रास्ते पर गए हैं, 25 साल से, अभी आपको ज्ञान मिला कि ये रास्ता आपका गलत है, गलत। अभी आप सोचोगे कि 25 साल से मैं गलत रास्ते पर उल्टा चला तो मेरे को कितनी मेहनत पड़ेगी जीरो पे आने के लिए, ये सोचने की जरूरत नहीं। स्टार्ट टू कम बैक, कितना समय लगेगा वो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहीं अवतार ऐसे ही गलत रास्ते पर चलने का गवा दिया है, गलत रास्ते पर चल के गवा दिया। बहुत आनंद अवतार, एक दिन भी तो हमको परिवर्तन करना पड़ेगा कि नहीं करना। और जब परिवर्तन करेंगे तो वो नहीं सोचना है कितना समय में लगेगा, बस गलत रास्ते से मोड़ जाओ,
एंड स्टार्ट टू वॉक ऑन अ राइट पाथ, दैट्स इट। कब एंड आएगा वो देखना नहीं है, गलत रास्ते पर एक स्टेप नहीं बढ़ता है वही हमारा प्लस पॉइंट है। नहीं समझ में आया? हम आज से गलत रास्ते पर एक स्टेप आगे नहीं बढ़ते वही हमारा प्लस पॉइंट है, और गलत सही रास्ते पर चलते हैं तो गलत रास्ते का स्टेप माइनस होता है, बस वही हमारा प्लस पॉइंट है। हर रोज हम 100 रुपया ऐसे मसाला में गवा देते थे 25 साल से हर रोज। अभी आज मालूम हुआ कि ये रास्ता सही नहीं है, तो पहले हमने डिसीजन लिया आज से मसाला बंद, तो 100 रुपया खर्चा करना बंद हो गया, वो आपका सेविंग हो गया। क्या हो गया? सेविंग हो गया इनडायरेक्टली। और वो रहा 100 रुपया अभी हम किसी गरीब को खाने के लिए देंगे। अभी जो माइनस 100 रुपया हुआ है वो काउंट करने की जरूरत है नहीं। सही रास्ते पर चलना शुरू कर तो खत्म हो गई बात, कितना समय लगेगा वो सोचने की जरूरत है नहीं है। माइनस बंद होगा वही तो प्लस है। क्या बताया? माइनस बंद होगा वही प्लस है, वही तो प्लस है। आप समझे ना? सच्चिदानंद, तो यही यही हमको समझना है। तो ये कहीं कहते हैं कि स्वामी जी ये अभी इतने गलत रास्ते पर चल गए हैं, कब हम वापिस आएंगे? वो छोड़ दो, टर्निंग पॉइंट ले लो, खत्म हो गई बात। आप समझे ना? वो गुजरात में कहते हैं ना, जागे तब से सुबह, यही काम होते जागे सब सवेरा। कोई 5 बजे उठता है उसके लिए सवेरा 5 बजे, कोई 11 बजे उठता है उसके लिए 11 बजे। तो कहने का मतलब यही है, ये देखने का नहीं है कि हमने पीछे क्या किया। आज से जागो और आज से नया जीवन शुरू कर दो, खत्म हो गई बात, कल की बात छोड़ो। आप समझे ना? कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिखेंगे अब ये नई, छोड़ो कल की बात है, कल की बात नए दौर से लिखेंगे अब अभी नई कहानी। बस छोड़ो कल की बात है, जो कल होना था वो हो गया, कल चली गई, अभी कल आज होने वाली नहीं। मगर आज तो आज है ना, हम आज जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कल तो जो होना था वो हो गया, वो याद करने से भी फायदा और परिवर्तन नहीं होगा, मगर आज हमारे हाथ में है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। हम अपनी दृष्टि को जैसा मोड़ देना चाहते मोड़ सकते हैं, तो क्यों मोड़ेंगे नहीं? ये नहीं देखना है कि अभी तक क्यों नहीं किया। आप समझिए, हर महान व्यक्ति ऐसे महान नहीं बनती है, और रातों रात भी महान नहीं। जीवन के हर पहलू में अपने आप को गलत से सही रास्ते पर लाना, गलत से सही रास्ते पर लाना, गलत से सही रास्ते पर लाना, धीरे धीरे अपने मन के ऊपर, वचन के ऊपर, काया के ऊपर संयम प्राप्त करना, जो नहीं बोलना चाहिए वो नहीं बोलने का प्रयास करना, ऐसे करते करते एक व्यक्ति एक दिन महान बनती है। और यही जागृति नहीं रखी, इनके साथ टकराए, इनके साथ टकराए, इनके साथ टकराए, बोला जो होना वाला होगा, टकराए टकराए टकराए, 10 साल के बाद क्या हुए, चारों ओर दुश्मन बन गए। अभी क्या करोगे? जब टकराया तो लगा एक के साथ झगड़ा हुआ क्या फर्क होता है, फिर दूसरे के साथ झगड़ा हुआ क्या फर्क होता है, ऐसे करके 10 साल में अगर 100-200 व्यक्ति बन गई आपके इर्द गिर्द, आपका जीवन कैसा बन जाएगा? नरक बन जाएगा। आप समझे ना? अभी धीरे धीरे इसको मोड़ना है, एक के साथ सुधारो, दूसरे के साथ सुधारो, तीसरे के साथ सुधारो, मतलब दृष्टि सुधारो। ऐसे करते करते हम हर जगह से निर्मल होना चाहता है, और वही हमारी ताकत बनेगी। आप समझे? यस।
हालांकि प्रश्न रिपीट ही हो रहा है, मानते हैं शुद्ध आत्मा और शरीर अलग है और उदय कर्म से ही उदय कर्म जैसे अभी तीन दिन से मेरे हाथ में एक उपाड़ हो गया है, दर्द हो रहा है, तो मैं मानता हूँ उदय कर्म आया है और मेरे हाथ में अंगुली में दर्द हो रहा है। इस अवस्था में मैं ये भी मानता हूँ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, एक दर्द शरीर को आया है, इसमें आप क्या और कैसे हमें समझाना चाहेंगे, हम इसको कैसे समझे, दर्द को कैसे एक्सेप्ट करें। बात सही है आपकी, वेदना अनुभव करने का स्वभाव, वेदना भुगतना और वेदना अनुभव करना वो स्वभाव आत्मा का है, शरीर का है, और हम कौन है? तो हमारा स्वभाव वेदना को अनुभव करना है, वेदना की भुगतान करना है, दोनों में से एक भी नहीं है। तो जो नहीं है और जो है शरीर वो तो अनुभव करता है, वेदना का अनुभव भी करता है और वेदना के भुगतान भी करता है, समझ में आया? मगर एट ए टाइम अगर मैं निर्वेदक हूं तो मैं वेदना की भुगतान नहीं करता हूं और मैं वेदना की अनुभूति नहीं करता हूं, तो ये समझ में आता है, ये समझ में एट ए टाइम क्यों नहीं आता है कि दोनों तो अलग है, दोनों के स्वभाव अलग है। अगर एक तरफ भाई है एक तरफ बहन है, ठीक है, मैंने यही आंखों से भाई देखा, यही आंखों से बहन नहीं देखता हूं, किसके लिए दूसरी आंख चाहिए? बोलते नहीं हूं, कोई आंख से दिखेगा? हाँ वही मैं कहता हूं, तो जो आंख से हमको भुगतान करने वाला दिखा और भुगतान के अनुभव करने वाला निश्चय प्रतिष्ठात्मा भी दिखा, तो उसी समय भुगतान नहीं करने वाले और भुगतान अनुभूति नहीं करने वाले निर्वेदक स्वभाव वाले आत्मा को क्यों हम अनुभव नहीं कर सकते हैं? वो भी है ये भी है, और दोनों का स्वभाव भी अलग है, स्वरूप भी अलग है, अस्तित्व भी, मगर हम प्रयास नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? प्रयास नहीं करते हैं। और यही हमारी कमजोरी है, और इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल बताया था कि आत्मा के गुणों की भजना मैकेनिकल मत करो, प्रैक्टिकल करो। जब शरीर में दर्द हो रहा है तभी ये विज्ञान का उपयोग करो कि मन वचन काया वेदक स्वभाव वाला है और मैं मन वचन काया से मुक्त निर्वेदक स्वभाव वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा बोलते रहूंगे तो शरीर वेदना अनुभव करती रहेगी और मेरी दृष्टि मैं निर्वेदक हूं उसमें रहेंगे, वेदना करने वाले के साथ नहीं जुड़ जाएंगे। समझ में आया? अनुभव अलग होता रहेगा और साथ में समझ भी रहेगी मैं अलग हूं। दर्द कम नहीं होगा? नहीं, वो दर्द की तरफ दिमाग ही नहीं जाएगा ना, दिमाग जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, बहन और भाई दोनों हमारे सामने बैठे, जब मैं बहन को देखता हूँ तो भाई तो बगल में है, जब मैं भाई को देखता हूँ तो बहन बगल में है, आप समझे, मगर दोनों अलग है ऐसा मेरे को दिखता है ना, दोनों एट ए टाइम दिखने के बाद भी मेरे को मालूम है कि दोनों अलग है, दोनों एक नहीं, एट ए टाइम दिखता हूं फिर भी अलग दिखते हैं। ऐसे एट ए टाइम देखूंगा प्रकृति को और परमात्मा का फिर भी क्या है, अलग है, अस्तित्व के रूप में अलग है, स्वभाव के रूप में अलग है और अनुभूति के रूप में भी अलग है, और जो अलग है उसको अलग महसूस करना है, इसमें कोई गलत तो ज्ञान लेना नहीं है, दर्द को रहते हुए अलग महसूस करना है,
कुछ दर्द जिसको है वो मैं नहीं हूं मैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये विज्ञान को उपयोग करने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तभी आपकी दृष्टि साइंटिफिक बनेगी। महावीर ने पूरे विश्व को अकर्ता और निर्दोष देखा। कैसे देखा? क्या उसके सामने किसी ने गुनाह नहीं किया था? इसके सामने महावीर को परेशान नहीं किया था, दुख नहीं दिया था, फिर निर्दोष क्यों देखा? बोलिए। शुद्धात्मा देखा नहीं, सुसर गया। शुद्धात्मा की बात नहीं है, शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है, और दुख देने वाला और दुखती भुगतान करने वाला भी है कि नहीं है? जैसे कान में खिला लगाया तो खिला लगाने वाला और जिसको खिला लगता है वो दोनों है कि नहीं है? और उसके साथ शुद्धात्मा भी है कि नहीं है? और जब खिला लगाने वाला और खिला जिसको लगा इसको भी देखा, और मैं कौन हूं वो भी देखा, उसके अंदर खिला लगाने की वाले के अंदर क्या है वो भी देखा, और जो खिला मारने वाला है इसको कौन चलाता है, और खिला जिसको लगा इसको कौन चलाता है, और मैं सुधा। तो तकलीफ कहाँ है? हमने कोई जगह ऐसी बात नहीं की ना कि खिला लगाया है उसको नहीं देखना है, इनको भी देखो, लगाने वाले को भी देखो, लगने वाले को भी देखो, मगर ये दोनों की परिस्थिति लगाना और लगना ये तो कुदरती रचना है, और जब कुदरती रचना है तो फिर दोषी या निर्दोष? निर्दोष। और निर्दोष को निर्दोष देखने की बात करते हैं, कोई चमत्कार की बात नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये सिद्धांतों का उपयोग करोगे तभी आपकी दृष्टि साइंटिफिक बनेगी, सिर्फ अकेले नॉलेज से नहीं बनेगी, अकेली जानकारी से। जैसे ये भाई साहब ने बिजनेस कैसे किया जाता है, कहाँ से माल लेते हैं, कितना परसेंटेज प्राइस बढ़ा के माल बेचना है, कस्टमर के साथ क्या बात करना है, ठीक है, पैसे का काउंटिंग कैसे करना है, स्टॉक कैसे गिनना है, ये सब कुछ पेपर के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर नॉलेज के रूप में जान लिया। क्या बताया? नॉलेज के रूप में जान लिया। तो क्या इसको बिजनेस चलाना आ गया? नहीं, क्योंकि क्यों नहीं आएगा? प्रैक्टिकल। बात वही हुई, बात क्या होगी फिर? तो हर बात में प्रैक्टिकल तो जरूरी है कि नहीं? उनके साथ उनके पास 35 साल का बिजनेस का अनुभव है, और बच्चे ने कहा अभी मैं ग्रेजुएट हो गया, अब मेरे को कुछ काम नहीं करना है, आप मेरे को सिखा दो तो मैं कल से बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। तो पिताजी ने कहा चलो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो पूरे दिन बैठे संडे के दिन, और सब कुछ बिजनेस सिखा दिया उसको, मतलब बता दिया, नॉलेज के रूप में जो था वो बता दिया, और बच्चे ने सुन लिया। तो क्या वो एक दिन में बच्चा अनुभवी हो गया? हो गया अनुभवी? नहीं होगा। नॉलेज मिला इनको, क्या मिला? आप समझे? मगर अनुभव तो कब होगा? जब प्रैक्टिकल काम करेगा और जब यूज करेगा समय समय पे, तब अनुभव। नहीं तो एक दिन में सब कुछ नॉलेज दे दिया, उन्होंने सुन भी लिया, फिर भी इसको अनुभव नहीं होगा। जब काम करेगा, इस ज्ञान का उपयोग करेगा, फिर गलती होगी, फिर उपयोग करेगा, फिर गलती होगी, फिर उपयोग करेगा, ऐसे करते करते अनुभवी हो सकते हैं। सिर्फ नॉलेज मिलने से अनुभवी नहीं होते। सेम ये साइंस में भी है, मेरा साइंस सुनने से आप अनुभव नहीं हो सकते, नॉलेज वाले हो सकते हैं, मगर प्रैक्टिकल अप्लाई करोगे, दृष्टि से उपयोग करोगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगा। जब परिस्थिति आए उस वक्त नॉलेज को, ज्ञान
उपयोग करना है बस। और हर संजोग में ज्ञान का उपयोग करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते, तो ही बढ़ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा ज्ञान दिमाग में रखने नहीं होगा, ज्ञान दिमाग में रखने की चीज नहीं है, प्रैक्टिकली उपयोग करना पड़ेगा उसका हर संजोग में, और उसका रिजल्ट भी मुझे लगता है उसी समय मिल जाएगा। मिल जाएगा उसी समय, मिल जाएगा। जैसा खाना खाने से पेट भर जाता है तो उपयोग करने के तुरंत बाद में रिजल्ट मिल जाएगा। आज हमने तय किया था पिछली नाइट कि भी हमको 10 एपिसोड बनाना है क्योंकि संडे का दिन, और सामने वाला जो रिकॉर्डिंग करने वाला था वो भी तैयार था। हमने भी जो हमारे सपोर्टर थे इसको भी कहा जो सुविधा चाहिए हम देने के लिए तैयार थे, तो हम तैयार थे, हमारे जो सपोर्टर थे उनको भी हेल्प देने के लिए तैयार थे, और जो रिकॉर्डिंग करता था वो भी तैयार था। इतनी सारी परिस्थितियां सेट होने के बावजूद भी अगर 8 ही एपिसोड बने तो बनने के बाद व्यवस्थित करके एक्सेप्ट कर लेना, यही उदय कर्म था। फिर ब्लेम और क्लेम बाद में नहीं करना चाहिए, पहले जितना हो सके इतना प्रयास करो, बनने के बाद तो स्वीकार करो, नो कंप्लेन नो क्वेश्चन। सभी तरह से प्रयास तो किया ही था, बस उसके बाद जो हुआ वो व्यवस्थित, वही उदय कर्म। फिर बाद में किसी के लिए कंप्लेन नहीं करो कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोलो। यही होने वाला था, क्योंकि दुनिया या संजोग हमारी मर्जी से चलते नहीं, हमारे हिसाब से चलते हैं, तो आखिर जो हुआ वो तो हिसाब है। जो प्रयास किया था वो हमारा एक प्रयत्न था कि हम चाहे ऐसा हो सके, मगर कुदरत क्या कहेंगी, आपके तकदीर में जो लिखा है रिजल्ट के रूप में वो ही होगा अंत में। अगर हम शायद एग्जाम्पल देता हूं, शायद वो भाई साहब 9 बजे वहां आ गए होते, हम भी 9 बजे पहुंच गए होते और स्टार्ट भी हो गया होता, एग्जाम्पल लेते हैं, लाइट चली गई, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? अगर नहीं होने वाला है तो कोई भी संजोग ऐसा आएगा, जो व्यक्ति काम कर रही है इसको अर्जेंट फोन आ गया कि तुम्हारी माता जी बीमार हो गई है, भाई बीमार हो गई है, तुरंत घर पे आना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं? अगर नहीं होने वाला है तो कोई भी संजोग ऐसा आ सकता है। यानी जो कुछ प्रयास करने के बाद भी जो होता है इनको विदाउट क्लेम एंड ब्लेम स्वीकार करना, और यही हमारा उदय कर्म है, यही हमारा कर्म फल है। फिर किसी के ऊपर ब्लेम और क्लेम नहीं करना, पहले जो प्रयास करना चाहे वो कर सकते हैं, बिफोर रिजल्ट, रिजल्ट आने के बाद किसी के प्रति कंप्लेन, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हर बार कंप्लेन 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 करते रहेंगे, हमारा दिमाग कैसा हो जाएगा? फिर दृष्टि भी पॉइंट वाली बन जाएगी, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा, ये आदमी ऐसा, आदमी ऐसा नहीं भाई। हर व्यक्ति की प्रकृति पूरी कुदरती रचना है, जो भी है सही है या गलत है, मगर है आज कुदरती रचना। उनकी स्वतंत्रता उसमें है, पॉकेट काटने वाले के पास भी फ्रेम नहीं है, कटवाने वाले के पास भी नहीं है, और पुलिस के पास भी नहीं है, तीनों में से किसी के पास फ्रीडम नहीं, और फिर भी होता है, उसी को कहते हैं कुदरती। तीनों अपनी ड्यूटी पर है, मैं अपना पैकेट पॉकेट में, मेरा पॉकेट है इसको गवाना नहीं चाहता, संभाल के तो मैं भी अलर्ट हूँ। चोर भी मानते हैं कि मेरे को पैसा चाहिए परिवार चलाने के लिए, तो किसी न किसी को तो काटना पड़ेगा, सवाल ही वो उसका बिजनेस है बेचारे का, वो सुबह से निकलता है चाय पानी पी के, हम जैसे चाय पानी पी के निकलते हैं, वो भी अपने काम के लिए निकलता है, सही कह नहीं, सबका अपना अपना बिजनेस होता है। हमारा बिजनेस कम रिस्क का है, उनका बिजनेस ज्यादा रिस्क का है, मगर बिजनेस तो बिजनेस है, जिससे उसका परिवार चलता है, यही उसकी इनकम ऑफ सोर्सेज है, ठीक है कि नहीं? तो और पुलिस वाला कहता है मेरा काम क्या है, गुनहगार को पकड़ना कहीं से भी, तो वो भी ऑन ड्यूटी पर है, हम भी अलर्ट है, चोर भी अलर्ट है और पुलिस भी, फिर भी होने वाला है वही
होगा संयोग। क्या कहने का मतलब यही है कि जब इसका संयोग, जब प्रकृति का संयोग आता है अच्छा या बुरा, तो कुदरत उस प्रकार के हर संयोग इकट्ठा और यही संयोग को हमको संयोग के रूप में मानना है, किसी व्यक्ति के प्रति ब्लेम और क्लेम नहीं करना है। समझ में आया? बस और यही यही विज्ञान अध्यात्म विज्ञान यही कहता है कि आपको एयर सिटीज देखना है, सिद्धांत के विरुद्ध नहीं देखना है, तभी आपकी दृष्टि सिद्धांत वाली बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। हर बात में यही सिद्धांत को अप्लाई करना है, बाद में आपकी दृष्टि सिद्धांत वाली बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा अपने आप वो दृष्टि से सिद्धांत ही दिखेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि परिपक्व हो गई, अभी परिपक्व हुई नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। यस, तो मैं यही कहना चाहता हूं, बार बार सेट करो। वितराग ऐसे वितराग नहीं बनते हैं, हजारों लाखों बार लास्ट 3, 4, 5, 10 होता है, हर व्यक्ति को अकर्ता पर निर्दोष देखते हैं, मालिक के भाव से मुक्त रहते हैं, कर्ता भाव से मुक्त रहते हैं, और वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसमें भी गलती हो जाती है, कर्म बन जाते हैं, मुक्ता आ जाती है, फिर प्रैक्टिस चालू करेंगे, फिर गलती होगी, फिर गलती को सुधारेंगे, ऐसे करते एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। किसी को चमत्कार नहीं होता है, प्रैक्टिकली होता है, और विज्ञान में चमत्कार जैसी बात ही नहीं है। विज्ञान में चमत्कार जैसी बात नहीं है। बहुत समझने की बात है, पर मैंने कहा ना, ये इतना डीप साइंस है, इतना एग्जैक्ट साइंस है, इतना सरल साइंस है, कि लोगों को पहली दृष्टि से इसको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि साइंस डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता, मगर साइंस अभी तक सुना नहीं था और धर्म को ही सुना था, और धर्म में बताया गया था इतनी सारी क्रिया करोगे बाद में आपको पुण्य मिलेगा, इसके बाद आपको भगवान मिलेगा, और इसके बाद आपको मुक्ति होगी, यानी मुक्ति के मार्ग को इतना भारी बना दिया था कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। क्रमिक मार्ग में तो यही बताया गया है, तो उसी से मोक्ष तो उससे भी होता ही है। नहीं, मोक्ष देखो, मुक्ति बिना विज्ञान समझे नहीं होती है, चाहे क्रम है चाहे अक्रम, ये दुनिया का सनातन उसमें विज्ञान है जो काफी स्टेप चढ़ने के बाद आता है। हाँ, मगर आना तो चाहिए के आना तो चाहिए बराबर। बिना साइंटिफिक विजन हम दुनिया के हर व्यक्तियों को निर्दोष कैसे दे सकते हैं? हम दुनिया की हर चीजों का जो हमारे नाम से जुड़ी हुई है इसके मालिक नहीं है, ऐसा कैसा मान सकते हैं विदाउट साइंस? जब साइंस होता है तो मालूम होता है कि कुदरत कहते हैं ये दुनिया की कोई व्यक्ति या साधन या संपत्ति के आप मालिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं मालिक हूं। आपके पास है तो सिर्फ यूजर बन सकते हैं, मगर ओनर नहीं। तो इसीलिए यूजर के रूप में जीवो, कोई गलती नहीं है। मालिक बनोगे तो फिर राग द्वेष हो जाएंगे। हम ये नहीं समझते हैं कि पैदा होने के बाद हमारे पास तो 500 रुपया भी नहीं था, जब अकेले थे तब माता पिता के पास कितना था वो छोड़ दो, हमने जब काम करना शुरू किया तो हमारे पास 500,000 रुपया भी नहीं था, ठीक है? और आज मेहनत करते 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 हमने कुदरत में 5 करोड़ रुपया दे दिया है, तो वो तो प्लस है कि माइनस है? प्लस है। अगर उसमें से 2 करोड़ चलो गया तो भी प्लस है कि माइनस है? प्लस है। और क्या कहते हैं, 5 करोड़ रुपया था, 2 करोड़ रुपया ले गए, मेरी नींद चली गई,
इतना प्लस होती हो अभी? नहीं समझ में आया, क्योंकि दृष्टि गलत है। दृष्टि क्या है? जो चला गया उसी के ऊपर दृष्टि है। जो इतना है 500 से 3 करोड़ हुआ उसकी दृष्टि नहीं है, मगर 5 करोड़ से 2 करोड़ चला गया वह दृष्टि है। बस हम साहस करते हैं, जैसे आता है ऐसे जाएगा नहीं। किसी के पास चला गया तभी तो आपके पास आया है, ऊपर से तो नहीं आया। ऊपर से आया हमारे पास पैसा, ऊपर से आया लोगों के पास से आया है, और लोगों के पास से आया है वो हमारा पुण्य था, और कोई व्यक्ति के पास चला गया वो हमारा पाप था। इसमें स्वीकारने में कहां तकलीफ है? दोनों ही तो नियम है ना, पाप भी नियम है और पुण्य भी नियम है। चाहे मेरे को लॉटरी लग गई और मेरे को 5 करोड़ मिल गया तो मेरा पुण्य है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ने मेरे को उल्लू बना के पूरी मेरी बिल्डिंग लिखवा दिया, आप समझे, और बिल्डिंग की कीमत थी 2 करोड़, तो उसको दे देना पड़ा क्योंकि मैंने साइन कर दिया था। मेरे को लगता है मैंने 2 करोड़ रुपया गवा दिया गलती से। गलती से नहीं गवाया, जैसे लॉटरी लगी थी वो भी आपका पुण्य था, ऐसे पाप की लॉटरी लगी तो चला गया। एक लॉटरी की टिकट से 5 करोड़ आ गया, एक साइन से 2 करोड़ चला गया। तो दोनों कुदरत का कानून नहीं है? बिल्कुल, दोनों पाप पुण्य नहीं है। इसको साइंस के रूप में स्वीकारने में कहां तकलीफ है? हम कोई गलत बात को नहीं करते हैं। आता भी ऐसे ही है ना सर? वही तो मैं कहता हूं, मगर आता है तब लगता है मेरा पुण्य है, जाता है तो पाप में लगता है। मैंने मेरा पैसा, मैंने मेहनत से कमाया यही कमजोरी है। मैंने तो सत्संग में बहुत बार कहा है, मेहनत से मजदूरी मिलती है। क्या बताया? मेहनत से मजदूरी मिलती है। हम जो काम करते हैं और जो मजदूर होता है लारी खींचने वाला, इसको मजदूरी मिलती है। जो मुनिम है बुद्धिशाली है, इसको सैलरी मिलती है, और जो ओनर है उसके पुण्य से प्रॉफिट मिलता है। नहीं समझ में आया? मजदूर को मजदूरी मिलती है, मुनिम को बुद्धि से सैलरी मिलती है, और मालिक को पुण्य से प्रॉफिट मिलता है। देखो सबका खेल है। तो इसमें मैं कहूंगा कि मेरी मेहनत से नहीं पुण्य से गया, और मेहनत से नहीं गया पाप से गया। पाप से गया, जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एकदम चला जाता है। पाप से गया, आया पुण्य से और गया। तो दोनों इसको दोनों विंडो है, विंडो समझते हैं, विंडो। इसको अनीति भी बोल सकते, नीति अनीति वो तो उदय कर्म की बात है। हमारी नियत में अनीति आज नहीं होनी चाहिए। पहले अवतार में हमने अनीति किया था इसलिए चला गया, इसलिए चला गया, ये हमारा कर्म फल है। मगर आज हमारी दृष्टि में अनीति नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी, तो इसका फल नहीं आएगा। मगर जो पहले किया था इसका फल तो आ जाएगा। आज हम नीतिवान है, मगर पिछले अवतार में अनीति किया था, इसका फल तो आएगा कि नहीं? तो लोग क्या कहते, इतना ईमानदार आदमी है फिर भी उसको नुकसान होता है, भाई ऐसा क्यों बोलते हो? ईमानदार तो आज है मगर गलती तो पहले किया था, इसका क्या है? भुगतान। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? जेल। क्यों पैदा होते क्या गलती थी बताइए, बताइए। तो फिर क्यों जेल मिला? कब का हिसाब? मतलब तो बात वही आ गई, आपके पास कोई उत्तर नहीं, तो क्या कहते पूर्व जन्म के? और अभी आपको लगता है कि 5 करोड़ वो ले गए, बड़ा पूर्व जन्म क्या नहीं है, वो ही ले गए, तो वो नहीं स्वीकारते दोनों पूर्व जन्म का नहीं है। अभी आपने पिछले सत्संग में एक बार पुनर्जन्म के लिए क्वेश्चन आया था आपके पास, तो आपने उसकी व्याख्या की थी, वो मेरे दिमाग में तो है, एक बार मैं आपके मुंह से वापस सुनना चाहता हूँ। पुनर्जन्म में जैसे हमारे साथ में काम करने वाले कई जिन्हें विश्वास नहीं करते हैं, और हम लोग करते हैं 100% करते हैं, तो पुनर्जन्म के लिए उनको कैसे समझाएं जो इस बारे में जानते नहीं है? वो हमारे को समझाने में उनको उनको
थप्पड़ नहीं बैठता है। दुनिया की कोई भी विचारक व्यक्ति, ये थिंकर व्यक्ति, वो कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल तो एक्सेप्ट करेगा। कॉज और इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट कॉज के बिना नहीं होती है। कारण और कार्य, एग्जाम और रिजल्ट, इसको तो लोग स्वीकार करेंगे नहीं, नहीं करेंगे। कारण और कार्य वो तो करेंगे, एग्जाम और रिजल्ट वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। हमने एक साल पहले एग्जाम दिया था, एक साल के बाद रिजल्ट आया कि मैं फेल हुआ। अभी जब मैं फेल कर्जे लेने के लिए गया, तब मैंने एग्जाम दिया था कि पहले दिया था? पहले रिजल्ट कब आया? एक साल पहले। तो मैं स्वीकार करूंगा कि नहीं करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा? बोला नहीं, मैंने तो अभी एग्जाम नहीं दिया है, आज मैं रिजल्ट को क्यों स्वीकार करूं? तो फिर क्या होगा? ये कॉमन सेंस है। ऐसे यहां एक साल की बात है, हमने पिछले अवतार में एग्जाम दिया था, रिजल्ट इस अवतार में मिला, हम क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? प्रिंसिपल तो एक ही, आज दिया है या 100 साल पहले दिया है, एग्जाम दिया है तो रिजल्ट तो वो जो रिजल्ट आया है, क्या बिना एग्जाम रिजल्ट आ सकता है? अगर मैंने एग्जाम दे दिया, 10 साल के बाद रिजल्ट आया, जैसे एग्जाम का मतलब होता है मैंने किसी के साथ कोर्ट केस कर दिया जिसमें मैं गलत था, मगर मेरे पास बुद्धि थी, पैसे थे, अच्छे वकील थे, और वकील ने कहा मैं तुमको केस चला दूंगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, 10 करोड़ आता है इसमें, 2 करोड़ दे देंगे, पर क्या होता है आप समझे? तो ऐसे करके इसको दे दिया, सब इंफॉर्मेशन, केस दे दिया, वो लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, 20 साल तक केस चला, कितना चला? 20 साल तक। और 20 साल के बाद हम हार गए, 2 करोड़ भी गए, और हमारी मेहनत टेंशन वो भी चली गई। अभी हम कहेंगे भी हमने क्या पाया, यही कर्मों का खेल है। जो कर्मों का खेल का रिजल्ट 20 साल के बाद मिलना था वो 20 साल के बाद मिल गए, मगर बिना एग्जाम रिजल्ट मिलता है? नहीं मिलता है। ऐसे 20 साल के बाद मिला, ऐसा 100 साल के बाद भी मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है। 100 साल मतलब पिछले अवतार में एग्जाम दिया था, ये अवतार में रिजल्ट आया। तो कहने का मतलब ये है, हम जैसे इस दुनिया में पैदा हुए, ठीक है, पैदा होने से ही माता पिता मिला, वो एग्जाम या रिजल्ट है? रिजल्ट। पैदा होते ही भाई बहन मिला, एग्जाम या रिजल्ट है? रिजल्ट। पैदा होते ही मकान मिला, एग्जाम या रिजल्ट? रिजल्ट। पैदा होते ही धर्म मिला, एग्जाम या रिजल्ट? रिजल्ट। अगर इसको रिजल्ट मानेंगे, एग्जाम कब दिया? खत्म हो गए, प्रूव हो गया। यू हैव एनी ऑप्शन? यू हैव एनी ऑप्शन? कोई ऑप्शन है? ये मान्यता होगी तभी तो ना, कि भाई इस जन्म से लेकर मरण तक जो कोई भी है वो ओरिजिनल है। कॉज एग्जाम की बात हम जब स्वीकार करेंगे तो कोई भी रिजल्ट आता है, माता पिता, भाई बहन, धर्म और मकान, ये सब कुछ हमको पैदा होते ही ऑन द स्पॉट मिला, क्या बिना एग्जाम दिया? बिना एग्जाम मिला? एग्जाम तो दिया। तो फिर कब दिया? याद नहीं है। याद नहीं है, पूछता नहीं है, पहले दिया वो तो मालूम है कि नहीं? आज मैं पैदा हुआ, इसको रिजल्ट कहेंगे तो एग्जाम उससे पहले थी वो तो बराबर है कि नहीं? पहले का मतलब प्रीवियस बर्थ आ गया। और कोई ऑप्शन है आंसर में? नहीं। और कोई ऑप्शन है तो मेरे को बताओ? नहीं, नहीं। कोई भी थिंकर इसको एक्सेप्ट करेगा लॉजिकली, यस और नो? बिल्कुल। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि कई जन्मों का भुगतान इस जीवन में आता है, पिछले अवतार का आता है या कई जन्मों का आता है? हमारे मन वचन काया से जो कर्मों के भुगतान करते हैं, हम अपने जीवन में मन वचन काया से जो कुछ भी भुगतान करते हैं वो 99.99% पिछले अवतार के ही कर्मों का फल है।
0.01% कोई ऐसा कर्म होता है कि जिसको भुगतान के लिए संजोग नहीं मिलते हैं तो वो पेंडिंग रहता है, और कैलिफोर्ड होके जब संजोग मिलता है तो रिजल्ट आ जाता है। मगर 99.99% कर्म जो होते हैं वो पिछले अवतार के ही कर्मों का फल है। और इसके बाद जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म बताए हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें जो घाती कर्म है वो व्यवहार राशि में आए हैं तब से है, और वो बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होता है, मगर वो मन वचन कायम के भुगतान के लिए वो कर्म नहीं है, वो नए कर्म को बनाने में सहायक है। घाती कर्म है जो नए कर्म बनाने में सहायक है, जैसे ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये कर्म भुगतान के लिए नहीं है और वो बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होता है, मगर ये कर्म जो है नए कर्म बनाने में सहायक है, तो बाहर दिखता नहीं है, तो वो बर्थ टू बर्थ आते हैं, पर मन वचन काया से जो भुगतान करते हैं वो तो प्रीवियस बर्थ के हैं। तो ये बातें कंप्लीट समझनी पड़ेगी, गोल गोल नहीं चलेगा। जैसे मोहिनी कर्म है तो उसका कोई आप दृष्टांत, कई अवतार से ये पीछे रहता है। मोहिनी कर्म का मतलब होता है वास्तव में सुख आत्मा का ही स्वभाव है, और आत्मा के बिना इस ब्रह्मांड में न कोई व्यक्ति, न कोई वस्तु, न कोई साधन, पर ना ही कोई संजोग के अंदर सुख देने का स्वभाव है ही नहीं, सिर्फ हमारी मान्यता। मान्यता हकीकत का सुख बाय फैक्ट सिर्फ आत्मा में ही है, ठीक है। मगर ये ज्ञान न जानना, न मानना और न उपयोग करना, और शरीर में सुख मानना, इंद्रियों में सुख मानना, साधनों में सुख मानना, संपत्ति में सुख मानना, संबंध में सुख मानना, सत्ता में सुख मानना, इसका नाम है मोहनीय कर्म। पूरा जीवन इसी से चल रहा, बस सुख है ही नहीं। आप सिंपल बात सुनो, एग्जांपल जो मैंने पहले बताया था रिपीट करता हूं कि शरीर आत्मा दो तो है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, नहीं कोई, ठीक है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, और बराबर है। आत्मा परमानेंट है और शरीर टेम्पररी, बराबर है। शरीर कर्मों के भुगतान का साधन है, जैसे कर्म खत्म हो जाएगा शरीर को जला दिया जाएगा, बराबर है। आत्मा तो कर्म बनाती नहीं है और भुगतान भी नहीं करते, तो वो जलेगा नहीं, वो उसका रिबर्थ में जाएगा। तो परमानेंट आत्मा है या शरीर? आत्मा है। अब स्वामी जी में एक क्वेश्चन और है जो सस्पेंस करता है दिमाग में, समझ में आ रहा है लेकिन सस्पेंस करता है। वो ये है कि जैसे मेरे किसी, मैंने कोई कर्म किया है और उसकी मुझे ऐसा है आपके ज्ञान से या शास्त्र के ज्ञान से, जैसे भी जो भी मेरा ज्ञान है उससे मुझे ये ऐसा ध्यान में आ रहा है कि इससे मेरे को 3 इंच गति होगी, यानी मैं पशु योनि में जाने वाला हूँ, तो वो मेरी आत्मा भी मेरे साथ ही आएगी, बराबर है। तो भुगतान पशु योनि तो बड़ी, अभी हम देखते हैं तो अच्छी नहीं लगती है, तो वो भुगतना पड़ेगा मेरे को, तो मेरी आत्मा भी मेरे साथ ही हुई ना। तो प्रश्न क्या है, बराबर समझ गया, तो वो आत्मा फिर शरीर के साथ ही होगी ना। आत्मा नर गति में है, पशु योनि में है, देवलोक में है, या मनुष्य योनि में। आत्मा कभी कोई भी प्रकार के कर्मों की भुगतान करने का स्वभाव नहीं है, जो मैं पहले बता दिया। हाँ, वो बराबर है। नहीं वो सर, मैं यही कह रहा हूँ, ये सस्पेंस आ रहा है, जैसे अब अपन पशु बन गए, जैसे किसी कारण आत्मा जाएंगी जरूर, मगर आत्मा भुगतान वो पशु योनि में, वो शरीर भुगतान करेगा, शरीर ही मनुष्य बन में शरीर ही करता है। आत्मा की हाजिरी है,
और अपने को यही भ्रांति हो रही है उसका भुगतान मैं कर रहा हूँ। आत्मा नहीं कर रहा है, शरीर कर रहा है। शरीर कर रहा है। आत्मा की शरीर सिंपल बात है, शरीर जो कुदरत ने दिया है वो सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए दिया है। और जैसे कर्म तिथियां जाकर खत्म हो गया, ये शरीर का रोल खत्म, इसको जला दिया जाएगा। आत्मा ने तो कर्म किया भी नहीं था तो भुगतान भी नहीं है। मगर कुदरत का कानून ये है, जो आत्मा की हाजिरी में कर्म बने थे उसी आत्मा की हाजिरी में कर्म उगलेगा। तो हाजिरी से बना, इसलिए हाजिरी से वो शरीर मिला है। हाँ, अगर अगर ये आत्मा की हाजिरी में वो कर्म किए, इसलिए आत्मा की हाजिरी में कर्म काटे। अगर ये आत्मा की हाजिरी में मेरे नर गति के कर्म बाधे तो नर गति मिलेगी, आत्मा को जाना पड़ेगा, मगर आत्मा को भुगतना नहीं पड़ेगा, भुगतना नहीं पड़ेगा। समझ आया? आत्मा की हाजिरी में कर्म किए हुए का परिणाम आत्मा की हाजिरी में नहीं होगा। आप देखो ये आत्मा की हाजिरी, इसीलिए आपने बताया आत्मा और शरीर को अलग रखोगे तो कोई कर्म नहीं बनेगा। नहीं बनेगा 100%। अगर इसी से भ्रांति पैदा हो, अगर अगर ये आत्मा की हाजिरी से मैंने देवलोक के कर्म चार्ज किए तो अभी देवलोक का कर्म भुगतान करूंगा, तब दूसरा आत्मा होगा तो मतलब क्या रहा? नहीं वही मैं पशु बनेंगे या कैसे भी होगा तो आत्मा को कुछ नहीं होगा। आत्मा की हाजिरी में किए हुए कर्मों का आत्मा की हाजिरी से ही निकाल होता है, मगर वो मानते भी नहीं है और भुगतान भी नहीं करते। अब समझे ना? तो आपको अलग देखना है, अलग समझना है, अलग अनुभव करना है, और कोई चमत्कार? एक सवाल में कईयों के समाधान हो जाते हैं। यही सवाल आत्मा की हाजिरी में कर्म करते हैं, कर्म करते हैं। तो आत्मा अगर अपन अलग नहीं करते हैं शरीर को, आत्मा को, तो आत्मा सोचती है कि शरीर में है ये उत्थान मेरे को हो रहा है। वो प्रतिष्ठित आत्मा, प्रतिष्ठित अज्ञान उसके पास है, अज्ञान मूल आत्मा के पास अज्ञान नहीं है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा मानव अज्ञान से ही बना है। मानव में तो हमने मान लिया कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, एक प्रतिष्ठित आत्मा पशु में पशु में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है, देव लोक में नहीं होता है, नरक लोक में नहीं होता है, सिर्फ मनुष्य लोक में होता है, क्योंकि मनुष्य लोक के अंदर कर्म बांधने की कुदरत ने सत्ता दिया है और सभी प्रकार के कर्मों को मिटा के मोक्ष में जाने की सत्ता भी यही दिया है। वहां से मोक्ष भी नहीं है और कर्म बांध नहीं सकते, सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए पशु योनि नरक गति और देवलोक, सिर्फ कर्मों को भुगतान करने के लिए, बांधने के लिए नहीं। तो कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ भुगतान करने के लिए। एक और अभी आप जो चार घाती कर्म की बात करी थी, घाती कर्म हमेशा हर बार कई फॉल्ट होता है। हाँ, घाती कर्म घाती कर्म का मतलब होता है कि आत्मा की अनंत शक्ति होते हुए भी उनकी अनंत शक्तियों का घात करता है, होते हुए भी अनुभव करने नहीं देता। जैसे घाती कर्म का मतलब क्या है, मेरे पास बैंक में 10 करोड़ रुपया बैलेंस है, ठीक है, मेरे नाम का है, मगर मैंने आज से 5 साल पहले क्राइम किया था, गुनाह किया था, ठीक है, क्रिमिनल क्राइम किया था। क्या किया था? और 5 साल के बाद मेरे को सजा मिली 20 साल की जेल। क्या मिली? 20 साल की जेल। अभी मैं आज से जेल में गया, जेल और बैंक के बीच 1 किलोमीटर का अंतर है। कितना? 1 किलोमीटर। जेल और बैंक जिसमें मेरा पैसा है उसमें डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। मगर फिर भी मेरे नाम पे पैसा होते हुए भी 1 रुपया में यूज नहीं कर सकता हूँ। क्यों? मगर नाम तो मेरे पास है ना, नाम मेरा ही नाम है ना, बैलेंस मेरा ही है ना, मगर मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जेल में हूँ। ऐसे
घाती कर्म का मतलब होता है वो अज्ञान की जहर, होते हुए भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति आत्मा में होते हुए भी ये अज्ञान की और अज्ञान से मिले हुए संसार के जेल के अंदर होते हुए वो आत्मा का सुख होते हुए भी अनुभव नहीं, होते हुए माया की जाल में फंसा है, कर्मों की जाल में फंसा है, कर्म सत्ता की जेल में फंसा है, वो जेल में से बाहर निकलेंगे तभी आत्मा का अनुभव करेंगे ना। ये जेल में से बाहर निकलेंगे तभी पैसे का यूज कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पैसे का यूज कर सकते हैं ऐसे यहाँ आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इस आवरण की वजह से आत्मा महसूस नहीं कर पाती। और ये मकान 200 साल पुराना है और पीढ़ी दर पीढ़ी यही मकान में 200 साल से एक ही परिवार की परंपरा रहती है। आज से 100 साल पहले ये मकान के अंदर जो लोग रहते थे वो काफी धनवान थे, रिच थे, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर बहुत सारा था और पूरा समाज जानता था इनको। और 100 साल के बाद जो इनकी परंपरा में जो बच्चे आए, इन्होंने अपनी खराब आदतों के कारण जो कुछ भी था वो गवा दिया और अभी पैसा कमाने की उनके पास शक्ति नहीं है। तो आज कभी खाना मिलता भी है, कभी खाना नहीं भी मिलता है, ऐसी हालत हो गई है। मकान तो वही का वही है मगर पैसा नहीं है, न नए कपड़े का पैसा है, न खाने का पैसा है, न बाहर जाने का पैसा है, न कोई जरूरी चीज लाने का पैसा है। ऐसे गरीब हालत में ये घर में रह रहे हैं। थोड़े समय के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र शायद 95 प्लस है, कितनी है, 95, जो आपके ग्रैंडफादर को भी वो जानता था इक्वल एज एप्रोक्सीमेट, वो कैसे भी करके बोला मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो लाओ ये घर वाले लोगों के ऐसे हालत देख लो क्या है क्या नहीं कर रहे, मेरे पुराने रिश्ते हैं। तो वो घर में आया, बैठा, हमने उसको पानी दिया, फिर उन्होंने चारों ओर मुआयना किया घर में, तो बोला ये घर में कोई चीज भी नहीं दिखती है, जो जाहो जला ली थी इसमें कुछ दिखता है नहीं। तो परिवार को पूछते भाई ऐसा क्या हुआ, आपके जो दादा थे वो तो बहुत रिच थे, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर कोई कमी नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया। तो बोला जो भी था वो हम जुगाड़ में हार गए, सट्टे में हार गए, स्टॉक मार्केट में हार गए, रेस में हार गए, आप समझे। तो उन्होंने कहा चलो भी तुम्हारे पास जो था, तुम्हारे पास जो था उससे तुम हार गए, चला गया पैसा ठीक है, पर मेरे को मालूम है कि तुम्हारे दादा ने जमीन के अंदर इस जगह पे अगर आप 15-20 फुट डीप खुदाई करोगे तो उसमें गोल्ड एंड सिल्वर एंड डायमंड का खजाना रखा है, वो मेरे को मालूम है, मैंने देखा है, 15-20 फुट खोदना पड़ेगा इस जगह पे, वो साइन भी बताए और साइन बता के चले गए। बच्चे ने सोचा कि वैसे भी कुछ है नहीं, प्रयास करने में क्या तकलीफ है, मिलेगा या तो नहीं मिलेगा और तो कोई नुकसान नहीं होगा ना। धीरे धीरे सोचने लगा, रात के समय धीरे धीरे 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 5 फुट खोला, फिर दिन हो गया, फिर थक गया, बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन रात और खुदाई किया, और खुदाई किया, फिर थक गया, फिर सो गया। फिर तीसरी रात में उन्होंने खुदाई शुरू किया, ऐसे करके 15 फुट जब खोद दिया तो नीचे से एक बर्तन की आवाज आई, उनकी आंखें चमक गई कि कुछ ना कुछ तो है, ये बर्तन की आवाज है, पत्थर की आवाज नहीं नहीं है। धीरे धीरे सफाई किया
और वो बर्तन को बाहर निकाला, जो लपेटा हुआ था, क्या था वो ऊपर लेके आए, साफ कर दिया, धीरे धीरे उसको क्या कर दिया, खोल दिया। जब खोला तो उसमें डायमंड, सिल्वर, गोल्ड सब कुछ था। फिर वो पैसे वाला हो गया, मगर पैसा जो था फिर भी वो अभी तक दुखी क्यों था, मेरा प्रश्न है। नहीं, उनके पास पैसा था, अभी तक दुखी क्यों था, उनके पास ही था ना, उनके पास ही था, मगर वो पैसा मिलने का उसका ही अंतराय था, था फिर भी मिल नहीं सका। मैं जेल में हूँ तो पैसे का उपभोग होते हुए भी नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा अंतराय। आप समझे, तो अंतराय का मतलब होता है होते हुए भी भुगतान। आप अब्जोपति है, घर में 32 प्रकार का पकवान बनाया है, उसकी स्मेल भी अच्छी आती है, क्वालिटी वाला पकवान है हर, मगर डॉक्टर ने कहा है स्वीट नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, मिल्क आइटम नहीं खाना, क्या बताया, जो भारी चीज होता है अनाज वगैरह वो नहीं खाना, आपको क्या खाना है, फ्रूट खाना है, पत्ते गोभी वाली चीज खाना है, मिल्क आइटम भी नहीं लेना है। तो इतनी सारी आइटम देखते हैं जो आपके पैसे से ही बनी है, मगर उपभोग नहीं कर सकते, इसी का नाम है अंतराय, होते हुए भी। यही तो कर्म का पावर है। ये तो हम अर्चन जो में देखते हैं, ये एक हुआ लाइक में चार आप बुलाए मौनी कर्म, तो मैंने बताया नहीं, बता दिया, अंतराय कर्म हो गया, चार कर्म हो गया, तो ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, आत्मा होती हुई भी आत्मा नहीं दिखती है तो ज्ञान आवरण नहीं है। और ये मन वचन काया कुदरत चलाते हैं, ये भी कुदरत चलाता है, बोला मैं चलाता हूँ, वो अज्ञान नहीं है, और वो अज्ञान से तो संसार बनता है नया, पूरा उसी से बनता है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म, उसी से तो नया राज्य बनता है, उसी से नया कर्म बनता है, और कर्म से जन्म मरण बनता है। यही तो बात समझ नहीं है, इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं। अगर ये ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनी अंतराय कर्म नहीं होते तो नए कर्म कैसे बनेंगे? इसी से हेल्प, इसी की हेल्प से बनते हैं। बाहर संजोगों को मैं ये कर्मों से नापता हूँ, ज्ञान आवरण से, दर्शन आवरण से, मोहनी कर्म से, और नया राजवेश पैदा करता हूँ, और वो राजवेश से नए कर्म चार्ज होते हैं, और कुदरत मेरे को नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट देते हैं। ये साइकिल है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। तो विज्ञान को विज्ञान की तरह समझोगे, आज देखो विश्व के, भारत को, भारत के जो विश्व के लोग, इसरो और नासा, इसरो भारत की वैज्ञानिक संस्था है और नासा अमेरिका की वैज्ञानिक संस्था है, और दोनों अपने अपने फील्ड में पॉपुलर हैं पूरे वर्ल्ड में। नासा और इसरो के वैज्ञानिक भी हमारा वीडियो सत्संग देखता है, मेरे को मिलने के लिए आता है, मेरे साथ फोन पे बात करता है, क्यों करता है, क्योंकि साइंस है, वो भी साइंटिस्ट है, मैं भी साइंटिस्ट हूँ, तो साइंटिस्ट को साइंटिस्ट की बात पसंद आती है, पसंद आती है, उससे मदद मिलती है, मदद मिलती है। अगर मैं धर्म की बात करूंगा तो इसको इंटरेस्ट नहीं होगा। आप समझे, अभी मैं टोरंटो में जाके आया, कैनेडा में 3 घंटा बात हुई थी न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आप समझे, अपने इसरो के साइंटिस्ट हैं, वो मेरे साथ बात करते हैं, साउथ इंडियन, तो फिर मोदी जी गए थे वहां पे, आप समझे ना, तो इसीलिए क्योंकि ये साइंस है,
ये धर्म नहीं। और साइंस इसको लगता है कि जो साइंस में बता रहा हूं वो बिल्कुल लिंक पर है। क्या है वो जो सिद्धांत की बात करते हैं वही सिद्धांत के ऊपर ये साइंस है। वो भी कुदरत के कानून की बात करते हैं, मैं भी कुदरत के कानून की बात करता हूँ। H2O से पानी होता है, कौन बनाता है? कुदरत बनाते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने बनाया? कर्म का कर्म फल देता है, कौन देता है? तो मैं वही कुदरत कानून की बात करता हूँ जो वो स्वीकारते हैं, वही मैं बात करता हूँ, कोई नई बात नहीं है। तो इसको भी लगता है कि बात सैद्धांतिक है, ये गोल गोल धर्मों की सिद्धांत की क्रियाकांड की बात नहीं है, ये तत्व की बात है, ये सनातन सत्य की बात है, ये कुदरती कानून की बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है, ये सांप्रदायिक सत्य की बात नहीं है। इसीलिए लोग सुनते हैं। और मैंने पहले भी कहा था ये साइंस जो मैं बता रहा हूं वो सबके लिए नहीं है, इसमें दो बात चाहिए। एक तो आपका हाई लेवल का पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? हाई लेवल का, नॉर्मल पुण्य नहीं, जिससे भौतिक चीज मिलती है वो पुण्य नहीं, हाई लेवल का क्वालिफाइड पुण्य चाहिए। और दूसरा आपका डेवलपमेंट चाहिए जो विज्ञान को डाइजेस्ट कर सके। अगर ये दो बात होगी तभी आपको ये साइंस मिलेगा और समझ में आएगा, नहीं तो बाकी लोगों के लिए साइंस है ही नहीं। वो तो जो धर्म करते हैं वही बराबर है, क्योंकि उसका लेवल ही नहीं है, उसको वही क्रियाकांड में इंटरेस्ट है और आनंद है और संतुष्ट है। आप समझे कि नहीं? तो जो लोग थिंकर हैं वो सोचते आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके लिए साइंस है। मगर लोग जो कहते हैं कि मैं जो करता हूँ उसमें मेरे को आनंद है, संतुष्ट है और कुछ जानने की जरूरत नहीं, उनके लिए साइंस है भी। मोक्ष की चाहिए, इसके लिए साइंस है भी नहीं, इसलिए वो संजोग ही नहीं मिलते, वो संजोग ही नहीं मिलते। मैंने कहा था ना कल कि महावीर की धर्म पत्नी भी महावीर को नहीं पहचान सकी, बहुत बड़ी बात है। तो सच्चाई को तो एक न एक दिन समझना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। ये विज्ञान किसी की टीका के लिए नहीं है, किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं है, ये विज्ञान अपने दृष्टिकोण सनातन सत्य के लेवल पर ले जाने के लिए है, क्योंकि व्यवहार सत्य के आधार से ही इतने जन्म मरण चलते रहे। अभी हमको हमारे दृष्टि को अपग्रेड करना है, व्यवहार सत्य से सनातन सत्य वाली बनाना है, बस ये हमारा इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, दुनिया के हर व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है। आपसे मिलने के बाद में ऐसा लग रहा है हमारे जो लाखों अवतार आने वाले थे, हजारों अवतार, क्रमिक मार्ग से या किसी भी अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश में वो खत्म हो गए, अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। आपके पास जब सनातन सत्य की दृष्टि आ गई, हर रोज आप कितने अज्ञान खुद ही काट रहे हैं, और वो अज्ञान के आधार से जन्म मरण होने वाले थे वो आपके समाप्त हो गए, इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है, न मेरी कृपा की बात है, न आशीर्वाद की बात है, ये विज्ञान का ही पावर है। किसका पावर है? विज्ञान है। और मैं जो कुछ बोल रहा हूँ एक रिस्पॉन्सिबल होके बोल रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ये नहीं बोलता हूँ, ये मेरा अनुभव है और मेरी जिम्मेदारी। इसका मतलब हम ये मान लें कि ये हमारे उदय क्रम से मिल रहा है, सवाल ही नहीं है, हाई लेवल के पुण्य क्रम से, नहीं तो संभव भी नहीं है, बगल में रहते वाले कुछ नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। ये हाई लेवल के पुण्य क्रम जन्म से लेके आए, कम से कम 100 लोगों को मैसेज दिया है, 100 लोगों को मैसेज दिया है
भाई हमारे यहाँ स्वामी जी बता रहे हैं आप पाना है ये है, लेकिन कई बार जब वापस में बनेगा आपको मैसेज डरा आया नहीं, बोले यार बात समझ में नहीं आती है यार, उनका हमें क्या समझौत नहीं होता है। मैंने कहा एक दो बार आओ तो सही आप, लेकिन आप कहो जब उसमें क्या उसमें उदय होगा तो ही आएंगे। उसमें क्या होता है कि ज्यादातर लोग धर्म गुरुओं से डर गए, क्योंकि हर धर्म के धर्म गुरु होते हैं, वो ऐसा मैजिक लगाते हैं कि वो बिठा के समझा के फिर कहते हैं आप मेरे प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा दोगे, तो फिर वो धर्म संकट में आ जाता है। बड़ा आदमी है और सबके सामने बैठा है और कुछ नहीं कहेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वो धर्म संकट में आ जाते हैं। तो लगता है कि धार्मिक व्यक्ति है कुछ ना कुछ मांगेगा तो मैं क्या करूंगा, तो डर आ जाता है। और इसलिए मैंने कई बार कहा कि आप मेरे को आप्तपुत्र के रूप में या स्वामी के रूप में स्पेस नहीं करोगे, अध्यात्म विज्ञानी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट मेरे घर पे आए, ताकि जो साइकोलॉजी है साधु संत सन्यासी का डर है वो नहीं रहेगा। और मेरे जितने भी सत्संग आते हैं टीवी में और यूट्यूब में लिखा है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, दादा भगवान का अब तो पुत्र नहीं लिखा है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आध्यात्म विज्ञानी जो मैं हूं और इसकी मैं बात करता हूं और वही तो मेरा टाइटल है। मुझे जो स्वामी शब्द है इसे लोग डर गए, स्वामी कहो साधु कहो सन्यासी कहो, इसे लोग डर गए क्योंकि माहौल ऐसा है। माहौल क्या है? ऐसा है, समझ में आया ना? तो आज से हम आपको कमलेश्वरन जी कह सकते हैं? नहीं नहीं, स्वामी भले बोलो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, दूसरों को बोलो। स्वामी तो एक रिस्पेक्ट के लिए शब्द है, दूसरे को कहो के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है और अध्यात्म विज्ञान की बात करते बस, क्योंकि हमको काम से मतलब है, टाइटल से मतलब नहीं है। अगर आप स्वामी नहीं बोलोगे और वो आता है तो अच्छी बात है। स्वामी बोलने से आता है तो भी अच्छी बात है। नहीं मगर मैंने कहा डर होता है लोगों को, कई लोग ऐसे होते हैं कि दादा भगवान के आप तो पुत्र बोला नहीं जाएंगे, वहां बोला उल्टा सुलटा बोल देते हैं, हमारे धर्म का विरोध करते हैं, तो ऐसा भी बोलते नहीं आते लोग, साइकोलॉजी हो जाती है पिछले अनुभव की। वो मदुरा में भी ऐसा ही हुआ, पहले चार पांच आप तो पुत्र गए, कुछ गलत बोला उन्होंने, उल्टा गलत मतलब उल्टा सुलटा बोल दिया धर्म के मारे, धार्मिक व्यक्तियों को तो बोला अभी उसको कभी बुलाना ही नहीं और जाना भी नहीं, तो क्या करेंगे? अभी मैं जाऊंगा तो वो तो वही कहेंगे राजा भगवान वाले हैं ना, हमको नहीं आना है, तो अभी मैं क्या करूँगा। तो जो महात्मा थे मेरे हमारे मदुराई वाले, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप मेरे घर पे आइए, खाना खाइए रहे, हम घूमने के लिए जाएंगे, मगर सत्संग में लोग आते नहीं है। तो फिर हमारे दूसरे एक महात्मा है दिनेश विशाकर बनिया, तो उसको मैंने आज सुबह फोन आया था तो कहा बड़ा नहीं आप आइए मेरे घर पे, मेरे घर पर 15-20 लोग तो अपने आप आ जाएंगे क्योंकि ये मेरे सिस्टम के हिसाब से है। तो नए व्यक्तियों को वो आचार्य तुलसी जी को मानते हैं और तेरा पंथ वाले हैं, और तेरा पंथ वाले को पहले 4-5 घर लग गए आप तो पुत्र के, तो बोला अभी नाम नहीं लेने का इसका। तो होता है, अभी मैं क्या करूंगा, मेरे से नहीं है मगर टाइटल से तो है उसको, अगर एक साधु से मैं फंस गया तो दूसरे साधु के पास नहीं जाऊंगा, वो भी ऐसा करेंगे तो डर लगता है, साइकोलॉजी। और इसीलिए कहा आध्यात्म विज्ञानी है और आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसा ही बात करना किसी को, हमको टाइटल से इंटरेस्ट नहीं है, उनको सही दृष्टि मिलनी चाहिए बस। तो प्रयास करना है, आए ना आए छोड़ दो, सबका अपना अपना तकदीर, तकदीर होगा तो आएगा, हम प्रयास करेंगे बस। मैंने आज से करीब 10 साल पहले 2008 या 9 से सत्संग शुरू किया, क्योंकि मेरी माता जी बीमार थी
तो मैं अहमदाबाद से बाहर नहीं जाता था। तो शांति भी डबी जो अहमदाबाद में रहते हैं, उन्होंने कहा कि तुम बाहर नहीं जाते हैं तो मेरे घर पे सत्संग के लिए आओ, हम सत्संग शुरू करते हैं यहाँ। तो मैंने कोई बात नहीं, तो उनके घर पे शुरू किया। पांच व्यक्ति के जिन्हें 2008-09 की बात करता, पांच व्यक्ति से शुरू किया, धीरे धीरे 5 से 15, 25, 50, 60 हो गया। घर का पूरा कमरा भर गया। अभी क्या करेंगे? फिर बाद में सोचा अभी सत्संग करना है तो हॉल में जाना पड़ेगा। +100 हो गए। क्या हो गए? +100। अभी 200 हो गए, अभी 250 होता है। इसीलिए हॉल के अलावा और इसीलिए हॉल कंप्लीट भर जाता है। तो हमारा हर सत्संग अहमदाबाद में आपके कहाँ होता है? हॉल में, घरों में नहीं होता है। आप समझे? पहले में बड़ौदा जाता था तो 10-15-25 लोग आते थे, आज 100-125-150 लोग आते हैं, तो हॉल कराना ही पड़ता है। पहले मैं बम्बई जाता था तो ही ऐसा होता था, आज 100 से ज्यादा आता है, 150 आते हैं, तो हॉल कराना ही पड़ता है। यानी समय समय पे लोगों ने ये विज्ञान को सुना, समझा और पावन मिला, और बाद में समझने लगे कि नहीं, बात तो ये सही है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट नहीं है, मैं जब कुदरती कानून की बात करूंगा आप क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे? मैं कोई धर्म की बात करूंगा तो बोला नहीं, मैं तो महावीर को मानता हूँ, राम को नहीं मानूंगा, कृष्ण को नहीं मानूंगा, ये आप बोल सकते हैं क्योंकि ये कंपैरिजन की बात है। मगर मैं कहूंगा कि मैं लॉ ऑफ नेचर की बात करूंगा, आप क्या कहोगे? उसका ऑप्शन क्या है? नहीं, उसका ऑप्शन क्या है? है ही नहीं। तो आप विरोध नहीं कर सकते। मेरी बात है तो विरोध करोगे, धर्म की बात है तो विरोध करोगे, गुरु की बात है विरोध करोगे, कुदरत के कानून का विरोध कर सकते हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं। तो बस तो मैं बात करता हूं। आज जैन आचार्य भगवान कम से कम 7 से 8 मेरे परिचय में है। विराजकोट जाऊंगा तो मिलेंगे, भावनगर जाऊंगा तो मिलेंगे, अहमदाबाद जाऊंगा तो। आचार्य भगवान तो की बात करता हूँ, सामान्य साधु नहीं। वो मेरे किताब पर मैं भी अभी एक आचार्य बड़ा साहब का मैंने ऐसा सुना है, प्रमुख ट्रस्टी है वो, उन्होंने मुझे बताया है, उनसे मेरी कई बार आपके बारे में, दादा भगवान के सत्संग के बारे में बात होती है, तो उन्होंने कहा है भाई मेरे का भी आपके जो आचार्य बड़ा साहब है बोला वो जोधपुर में देंगे। मैंने कहा क्या बीमार है क्या? वैसे निकल जाता है अपने आप से ही सब, जोधपुर में क्यों रहेंगे? बोला नहीं अभी वो कह रहे हैं कि मुझे आत्मा के अंदर रहना है, मैंने समाज का बहुत कर लिया, तब मैं ये प्रवचन वगैरह देना बंद कर दूंगा, मुझे अब मेरा 70+ हो गया है तो मैं सोचता हूँ कि मैं अब अपने आप में रहूँ। तो मैंने कहा हमारे दादा भगवान से कभी मिलना चाहे तो फिर वो अभी एक बार थानापति बन जाए, फिर उनके दिमाग में आएंगे। क्या बन गया? वो थानापति बन जाएंगे, मतलब एक ही जगह जब थानापति कहते हैं तो फिर वो मिलेंगे। वो इतना घूमने के बाद में उस जगह पे उनको बैठना पड़ेगा। समझ गया। तो होता है ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं जो मेरे परिचय में, मैं नाम गिनाऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। स्थानकवासी के सबसे बड़े आचार्य शिव मुनि, सबसे बड़े आचार्य शिव मुनि मेरा मित्र है। आप कहोगे रहे कि कमलेश आनंद जी को मिले थे, क्या बात करते हो आप, ज्ञानी से मिले ऐसा कहेंगे तो पब्लिक में कहते मेरे को हजारों प्रश्न किए थे उन्होंने 10 साल से, आप समझे, और इंटरनेट पे तो मेरा प्रसंग आता ही है जो कभी भी सुन सकते हैं। शिव मुनि के पुराने प्रवचन और अभी प्रवचन सारे बहुत फर्क है। दूसरा आचार्य है स्थानकवासी के भावचंद्र मुनि, वो भी मेरे मित्र है। वो आपके गुजरात के? गुजरात के, ये पंजाब के, ये गुजरात के। तीसरा ये अपना जो 13 पंथ के है आचार्य तुलसी के परंपरा में अभी जो आचार्य है वो मेरे मित्र है। देरावासी में तो बहुत सारे मेरे साधु आचार्य मित्र हैं। दिगंबर के अंदर सबसे बड़े आचार्य नाम भूल गया,
सागर पीछे सागर लगता है नाम दिल्ली दिल्ली में जिनका था लाल नीला बहुत बड़े समर्थ है वो मेरे मित्र हैं ऐसे बड़े बड़े लोग मित्र हैं मगर सत्संग के माध्यम से और कोई फ्रेंडशिप नहीं वो मेरी बात को सुनते हैं क्रमिक मार्ग से भी आपको इस लेवल पे एक क्रम के बाद में आना पड़ता है तो वो जब क्रमिक मार्ग वो सारे सब दूसरे सब क्रमिक मार्ग के हैं तो उनको भी इस लेवल पे आना ही है ना आपके लेवल पे एक बार तो आना ही पड़ेगा विद्यासागर बहुत प्रखर है जबरदस्त बहुत प्रखर नामांकित किसको बोलेंगे और क्रांतिकारी नहीं विद्यासागर की नहीं विद्यानंद जी की हुई दिल्ली में विद्यानंद जी से वो 90 प्लस थे और विद्यासागर है वो सागर के हैं एमपी मतलब हेडक्वार्टर उसका घूमते तो हर जगह पे है मगर हेडक्वार्टर उसका सागर एमपी में है और विद्यानंद जी का दिल्ली में था तो कहने का मेरा मतलब यह है ऐसे बड़े बड़े आचार्य भगवान भी जो जैनों का तत्वज्ञान और आगम की बात करने वाले भी ये विज्ञान को सुनते हैं समझते हैं और उपयोग करते हैं हम पहले एक प्रार्थना बुलाते हैं हे अंतर्यामी परमात्मा आप हरेक जीव के अंदर विराजमान हैं वैसे मुझ में भी विराजमान है आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है हे शुद्धात्मा भगवान मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ हे प्रभु मुझे क्षमा करे और बार बार ऐसी गलतियां न करूं ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें हे शुद्धात्मा भगवान आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद